पोमेग्रेनेट यानी अनार को हम सभी बड़े चाव से खाते हैं, और खाए भी क्यों नहीं, क्योंकि ये लाल और मीठे रसीले अनार फल स्वादिष्ट तो होते ही हैं, साथ ही स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज्यादा लाभदायक होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बाजार में बिकने वाले सबसे अच्छी क्वालिटी के ये अनार फल आखिर आते कहां से हैं? आपके दिमाग में ये भी सवाल जरूर आया होगा कि इन रसीले अनार फल की पैदावार कैसे होती है और इन फलों को लार्ज क्वांटिटी में कहां उगाया जाता है। सभी सवालों के जवाब मिलेंगे इस इंटरेस्टिंग वीडियो में, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए इस रोचक वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अफगानिस्तान सरकार साल दर साल अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को समृद्ध करने के लिए कई सारे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं। आतंकवाद की छवि से परे अफगानिस्तान सरकार अपने इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए पूरी कोशिश कर रही है, और इसी श्रृंखला में आता है फलों का उत्पादन और उसका निर्यात करना। जैसे पिछले वीडियो में हमने अफगानिस्तान के अंगूर सफलता के राज के बारे में बात की थी, ठीक उसी प्रकार आज के वीडियो में हम बात करेंगे अफगानिस्तान के पोमेग्रेनेट यानी अनार के फल की खेती और एक्सपोर्ट के बारे में। लेकिन उससे पहले फल अनार के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। अनार एक ऐसा फल है जो कि हर प्रकार के मौसम, जलवायु और हर प्रकार की मिट्टी में पैदा हो सकता है। दुनिया का सबसे प्राचीन कहे जाने वाला फल अनार की लगभग 40 से ज्यादा प्रजातियां एग्जिस्ट करती हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि ये अनार एक ऐसा फल है जो अधिकतम सूखे गर्म वातावरण से लेकर -10 डिग्री सेल्सियस तक के ठंडे मौसम को भी सहन कर सकता है, लेकिन ये मध्यम और अपेक्षाकृत गर्म जलवायु में बेहतर रूप से बढ़ता है। यही कारण है कि कंदाहार के अनुकूल वातावरण के कारण यहाँ का अनार सबसे ज्यादा उच्च गुणवत्ता का होता है। अगर बात की जाए कि सबसे बेहतरीन गुणवत्ता के अनार फल की, तो वो अफगानिस्तान देश में उगाए जाते हैं, और अब तो अच्छी क्वालिटी के इन अनार फलों का निर्यात दुनिया के दूसरे देशों को शुरू कर दिया गया है। जैसे पहले चरण में अनार का निर्यात दक्षिणी अफगानिस्तान के कंदाहार प्रांत से भारत देश में शुरू हो चुका है। यूं तो विश्व में कई देशों में अनार के फलों का उत्पादन होता है, और वैश्विक स्तर की बात की जाए तो ईरान विश्व का सबसे बड़ा अनार उत्पादक देश है, जहां प्रति वर्ष 6,70,000 टन का उत्पादन होता है। अनार के फलों का मुख्यतः उत्पादन ईरान, अफगानिस्तान के साथ साथ इराक और तुर्की देशों में किया जाता है, लेकिन अफगानिस्तान में ही सबसे उच्च गुणवत्ता वाले अनार फल पाए जाते हैं। अफगानिस्तान देश में अनार उत्पादन के लिए लगभग 8,000 हेक्टेयर भूमि समर्पित है, जहाँ प्रति वर्ष 1,80,000 मैट्रिक टन अनार की पैदावार होती है। अनार का उत्पादन यूं तो अफगानिस्तान के कई सारे प्रांतों में किया जाता है, लेकिन मुख्य उत्पादक क्षेत्र कंदाहार प्रांत है, जहां के 806 हेक्टेयर भूमि का उपयोग अनार की खेती के लिए किया जाता है। दोस्तों आपको बता देते हैं कि ऐतिहासिक रूप से भी अफगानिस्तान का कंदाहार प्रांत अनार की उच्च गुणवत्ता और सबसे ज्यादा प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है, जिसमे कांधारी मुख्य किस्म है। अनार की इस किस्म को दुनिया में सबसे अच्छा, सबसे रसीला और सबसे स्वादिष्ट अनार माना जाता है। अफगानिस्तान के कई प्रांतों में अनार के फलों पर कीटों के प्रकोप और प्रोडक्शन में कमी के बावजूद किसान और अफगानी व्यापारी इसे वर्ल्ड मार्केट में बेचकर एक बड़ा मुनाफा कमाते हैं। अफगानिस्तान केवल अनार उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि यहां अंगूर, बादाम, खुबानी और सेब का उत्पादन भी अच्छे लेवल पर किया जाता है। अफगानिस्तान के अनार और अंगूर सहित कई अन्य फलों का निर्यात दुनिया के कई देशों में शुरू हो चुका है। अफगानी अनारों का निर्यात खासकर इंडिया, पाकिस्तान, यूनाइटेड अरब अमीरात, बहरीन, कतार और जर्मनी जैसे देशों में किया जाता है। अगर अफगानिस्तान के अनार के पेड़ों की बात की जाए तो ये 6 मीटर ऊंचे होते हैं, जिसमें लाल रसीले फल और छोटी हरी पत्तियां लगी होती हैं। कुल मिलाकर अफगानिस्तान को अनार के फलों का देश माना जा सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान का कंदाहार प्रांत ही नहीं बल्कि कपिसा, समांगन, फरहा, नेंद्रूज, हेलमंद, वारदाक, गजनी और बल्ख प्रांतों में भी अनार के फलों की उच्च गुणवत्ता वाले कुल 48 अग्रणी किस्मों को उगाया जाता है, और इनमें से बीज रहित कंधारी अनार को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि कंधारी अनार सबसे ज्यादा जूसी होता है, साथ ही इस फल का आकार तुलनात्मक रूप से बड़ा भी होता है। दोस्तों आपको जानकर ये हैरानी होगी कि अफगानिस्तान के कंधार प्रांत के कंधारी अनार का आकार जंबो साइज का होता है, जो रूबी लाल कलर का होता है, जिसका वजन 1 किलोग्राम तक हो सकता है।
सकता है। अफगानी अनार की बदौलत अफगानिस्तान के एक्सपोर्ट मार्केट को एक नई ऊंचाई मिली है, क्योंकि अनार के निर्यात से गरीब किसानों और अफगानी व्यापारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। साथ ही अफगानिस्तान की जीडीपी में भी इंक्रीमेंट हुआ है, क्योंकि यहां हजारों की संख्या में लोग अनार की खेती से अपनी आजीविका चलाते हैं और इस कारण से अफगानिस्तान की एग्रीकल्चर इकोनॉमी में भी बढ़ोतरी हुई है। साल दर साल अफगानिस्तान में अनार के प्रोडक्शन में वृद्धि हो रही है और ये वृद्धि अफगानिस्तान के लिए प्रॉफिटेबल है। इस साल देश में 2.5 लाख टन से अधिक अनार का उत्पादन हुआ और पिछले वर्ष की तुलना में 30% से अधिक बढ़ोतरी हुई है। यकीनन अफगानी अनार सबसे ज्यादा स्वादिष्ट है, लेकिन अफगानिस्तान में अनार के एक्सपोर्ट का मार्केट अभी इनिशियल फेज में है, या यूं कहें कि निर्यात क्षेत्र में ये उनका पहला चरण है, क्योंकि अमेरिका जैसे विकसित देश में अनार की घरेलू मांग को तुर्की, लबनान, ग्रीस और मैक्सिको जैसे देशों से पूरा किया जा रहा है। अफगानिस्तान की पहुँच अभी तक अमरीका जैसे देशों में नहीं हुई है। अफगानिस्तान का लक्ष्य है कि उनके अनार की पहुँच दुनिया में कोने कोने तक होना चाहिए, इतना कि जहाँ भी अनार का नाम लिया जाए वहाँ अफगानिस्तान का नाम भी साथ में जुड़ा हो। दोस्तों, जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि अफगानिस्तान में केवल अनार का ही उत्पादन नहीं होता है, बल्कि अंगूर, ड्राई फ्रूट्स और सेब जैसे फल भी प्रोड्यूस किए जाते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि अफगानिस्तान में ड्रग का प्रोडक्शन भी बहुत आयत में होता है, तो अनार की खेती करना यहाँ के किसानों के लिए एक बेहतर अवसर प्रदान करता है, क्योंकि ड्रग्स जैसे हानिकारक पदार्थ से हटकर सेहत के लिए फायदेमंद अनार की खेती पर स्विच करना किसानों के लिए असल में प्रॉफिटेबल काम है। अनार सचमुच सेहत के लिए अन्य फलों की तुलना में बहुत ज्यादा फायदेमंद है। रिसर्च से ये भी साबित हो चुका है कि खट्टे और मीठे अनार फलों और उसके बनाए प्रोडक्ट्स जैसे पेस्ट, अनार का जूस का सेवन करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। अनार एक मल्टीविटामिन फ्रूट है, जिसमें विटामिन के, सी, ई और बी ग्रुप बहुतायत में पाया जाता है। इसके अलावा अनार के छिलके और बीज से ऐसे एंटीबायोटिक दवाइयां बनाई जाती हैं, जिसका सेवन अक्सर बीमारी के वक्त किया जाता है। और आपको बता दें कि अनार का लगभग 52% भाग में अनार के बीज पाए जाते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो एनीमिया से ग्रसित है, यानी जिसके अंदर खून की कमी, उसको तो अवश्य अनार के फल का सेवन करना चाहिए, क्योंकि अनार के अंदर पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स से खून का फॉर्मेशन होता है। यही नहीं, अगर रेगुलर बेसिस पर अनार का सेवन करते हैं तो इससे ब्लड भी प्यूरिफाई होता है। एक ऐसा व्यक्ति जो हार्ट डिजीज जैसे ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज जैसी समस्या से गुजर रहा है, उसको भी अनार का सेवन करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना गया है कि अनार खून को पतला करने का काम भी करता है। इसके अलावा अनार लिवर एंड पेट को भी मजबूत बनाता है, और ऐसा माना जाता है कि प्रोस्टेट कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर वाले मरीजों के लिए ये एक चिकित्सकीय फल है। वो व्यक्ति जो बाल झड़ने की समस्या से जूझ रहा है, उसको भी अक्सर अनार खाने की हिदायत दी जाती है। हो सकता है अफगानिस्तान देश दुनिया के सबसे बड़े अनार उत्पादकों में से एक ना हो, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अफगानिस्तान, खास करके कंधार प्रांत, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता वाले और स्वादिष्ट अनार फलों के लिए जाना जाता है, और ये बात 100% सही है। और दोस्तों, ये भी हो सकता है कि अभी आप जो अनार खा रहे हैं वो अफगान का ही हो, क्योंकि ईरान, इराक और अफगानिस्तान जैसे कुछ चुनिंदा देशों में ही अभी के समय में अनार की खेती हो रही है। दोस्तों, आपके इस वीडियो के बारे में क्या विचार है हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। ऐसे ही नॉलेजफुल और इंटरेस्टिंग वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं यूनिक वीडियो के साथ।